Hi, so in this video we are going to talk about production of steel, right? Steel कैसे production होता है, मतलब ज़्यादा अंदर तक नहीं, overall layout के बारे में हम समझेंगे, मतलब normally कैसे किया जाता है and थोड़ा बहुत क्यों किया जाता है वो भी समझेंगे, right? तो देखिए इस अच्छा सा लिखा हुआ है, पूरा का पूरा ध्यान से देखिए, right? तो ये स्लाइड में बेटा पहले कोक बर्निंग किया जाएगा ना, कोक ऐसा कुछ होता है जहाँ से बर्न करने के बाद सीओ गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर? एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को रॉट आयरन के साथ मिलाया जाएगा, कहाँ पर? ब्लास्ट फर्नेस के अंदर एट 1800 डिग्री सेल्सियस, एंड रॉट आयरन वो भी मल्टन स्टेट, ठीक है? तो आप लोगों ने पूछेंगे कि भाई सर ऐसा क्यों हो जाता है कि जब हम कास्ट आयरन बनाते रहते हैं उस वक्त पाउडर मिलाया जाता है, यहाँ पर गैस मिलाया जाता है? ब्रदर यही तो था जो ट्रिकी कंडीशन जिसलिए स्टील ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। क्या होता है ना, ये जो अगर पाउडर हम मिलाएंगे तो बिकॉज ऑफ हाई, मतलब दोनों के बीच में हाई डेंसिटी डिफरेंस हो जाएगा, एंड जो कार्बन पाउडर है ऊपर ही रह जाएगा एंड अंदर और नीचे बस आयरन रह जाएगा, तो स्टील बनेगा क्या? नहीं बनेगा, वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो देर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी, देर इज नो होमोजीनियस मिक्सचर, तो हम जो चाहते हैं वो बन ही नहीं पाएगा, क्लियर ना? तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, ये कम क्वांटिटी का मिलाना पड़ता है हमें, जैसे कि 0.0% से शुरू करके 2.11% तक, जो कि 2.11% के बीच में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि माइल्ड स्टील आ जाता है, लो कार्बन स्टील आ जाता है, मीडियम कार्बन स्टील आ जाता है, हाई कार्बन स्टील आ जाता है। तो वो कैसे बनता है डिफरेंट कार्बन का ना, ये जो गैस हम बनाया है ना सीओ गैस, उसको वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हमें क्या बनाना रहेगा। हमें अगर हाई तो 0.45 से 2.11% तक का गैस हम छोड़ेंगे, तो गैस को वेरी करके हम डिफरेंट स्टील बना लेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोग को कि कोक बर्निंग किया जाता है जहाँ से सीओ गैस रिलीज होता है। जो सीओ गैस है हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सी, मतलब कार्बन चाहिए हमें, कार्बन मिलाना रहता है, इसलिए हम कोक बर्निंग करते हैं। तो ये 1800 डिग्री सेल्सियस में ये सब काम होता है, भाई सोचो थोड़ा, 1800 डिग्री से जो हमारा कास्ट आयरन था वो 1300 डिग्री सेल्सियस में ही हो जाता था, लेकिन ये 1800 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट भी प्रोड्यूस करना, जो कि हीट प्रोड्यूस करना भी एक एक्सपेंसिव चीज़ ही होता है, ओके? तो सी हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड आयरन मिलने के बाद बनता है क्या? आयरन कार्बाइड, जो कि स्टील होता है, एंड O2 प्लस, मतलब O2 मिलकर साथ में आता है। तो आपको ये इक्वेशन से पता ही चल रहा होगा कि ये जो किसी कारण से अगर ये O2 को हटा देते हैं हम, तो भाई हमारा काम बन गया, Fe3C मिल गया, मतलब स्टील रेडी। तो यहाँ पर Fe3's वॉल्यूम विल बी कंट्रोल्ड बाई, जो आपको मैंने बताया यहाँ पर वो अक्स में मैंने लिखा हूँ कि जो क्वांटिटी है, मतलब जो लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रहेगा हमें, वो सब हम जो CO गैस को वेरी करके बनाएंगे हम। फिर क्या करना है, बस O2 को रिमूव कर दो, बन गया स्टील कंपोनेंट, स्टील प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये था एक ओवरऑल व्यू कैसे बनता है स्टील। तो अगर आप लोग को समझ में आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी पता चले कैसे होता है प्रोडक्शन ऑफ स्टील। एंड कमेंट ज़रूर कीजिए अगर कुछ भी आपको दिक्कत आया हो समझने में, और कुछ टॉपिक आप समझना चाहते हो उसके लिए भी आप लिखो ज़रूर, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए इस तरह आपसे। सो फाइनली ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसा ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।